योगी सरकार की कैबिनेट में शामिल ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर अपनी ही सरकार पर निशाना साधा है। राजभर ने योगी सरकार पर आरोप लगाया है कि यूपी सरकार मुआवजा नीति में भेदभाव कर रही है। सर, क्या आपकी सरकार जाति देखकर मुआवजा दे रही है? भुलेआम, ब्राह्मण मरेगा तो 25 लाख, ठाकुर मरेगा तो 20 लाख, यादव मरेगा तो 5 लाख, चौहान मरेगा तो 3 लाख, राजभर मरेगा तो 1 लाख, चमार मरेगा तो 50 हजार, ये कौन सा मानकता है? उन्होंने योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की मुआवजा नीति जाति के हिसाब से है, क्योंकि जब कोई ब्राह्मण मरता है तो सरकार 25 लाख मुआवजा देती है, राजपूत मरता है तो 20 लाख, यादव मरेगा तो 5 लाख, कोई चौहान मरता है तो यही सरकार 3 लाख देती है, जबकि राजभर के मरने पर 1 लाख और किसी दलित की मौत पर यही सरकार उसे महज 50 हजार रुपया बतौर मुआवजा देती है। राजभर ने सीधे तौर पर सरकार पर सवाल खड़ा किया है और कहा है कि इंसान एक होता है तो मुआवजा भी एक समान मिलना चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि ये तो आपकी ही सरकार है, तो राजभर ने तंज कसते हुए कहा कि मेरी सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार है, हम तो सिर्फ सरकार में शामिल हैं। आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर योगी सरकार में पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री हैं और सत्ताधारी भाजपा की सहयोगी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं। राजभर ने इससे पहले भी सरकार पर निशाना साधते हुए कानून व्यवस्था को मजाक बताया था और आरोप लगाया था कि यूपी में पुलिस पैसे लेकर एनकाउंटर के नाम पर हत्याएं कर रही है। ऐसे में मंत्री का यह बयान योगी सरकार पर बड़ा सवालिया निशान लगाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।